किसान भाइयों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई अगस्त मंडी रिपोर्ट के बारे में। जुलाई के 15 दिन अभी बाकी हैं और अगस्त का पूरा महीना अभी बाकी है, तो जुलाई या अगस्त में आपको कितना भाव देखने को मिल सकता है इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। किसान भाई वीडियो शुरू करने के पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और आप उसके पास के बेल बटन पर भी बटन दबा दीजिए जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। किसान भाइयों मैंने और आपने दोनों ने मिलकर मेरा चैनल बनाया है, आपका साथ रहेगा तो हमारा चैनल भी चलेगा, तो आप अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को लाइक करें। अब हम जुलाई अगस्त मंडी रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लहसुन की ताज़ी मंडी रिपोर्ट। दोस्तों हमने समय समय पर आपको लहसुन की ताज़ी मंडी की जानकारी दी है और इससे काफ़ी भाइयों ने लाभ भी उठाए हैं। दोस्तों पहले जो हमने लहसुन की ताज़ी मंडी रिपोर्ट चैनल पर डाली थी तब हमने आपसे कहा था कि आप अपना 50% माल आप निकाल दीजिए और 50% माल आप रोक के रखिए। तो दोस्तों हमने जो माल 50% आपसे रोकने के लिए कहा था अब वह समय आ गया उसको माल को निकालने और उनका फ़ायदा लेने का। दोस्तों लहसुन में जो भविष्य दिख रहा है उसमें तेज़ी की उम्मीद बहुत ही उम्मीद बन रही है। हमने आपको पिछले रिपोर्ट में बताया था कि जून और जुलाई के महीने में लहसुन में तेज़ी आने की उम्मीद है, तो दोस्तों जून महीने में लहसुन में 700 से 900 रुपए की तेज़ी देखने को आपको मिली थी, लेकिन जुलाई महीने में इन 15 दिनों में हमें खास तेज़ी देखने को नहीं मिली, बाज़ार लगभग समान देखने को मिला। लेकिन अब जुलाई के आखिरी 15 दिनों में और अगस्त के महीने में लहसुन में तेज़ी के पूरे असर बने हुए, लेकिन पीछे का कारण ये है कि अभी लहसुन की आवाज धीरे धीरे कम होती जा रही है और लीवाली अभी भी उस स्तर पर है जिससे लहसुन के भाव में जबरदस्त उछाल आने की संभावना दिखाई दे रही है। दोस्तों यह जो तेज़ी बढ़िया मोटा माल और लड्डू माल में ही आपको देखने को मिल रही, नॉर्मल माल में नहीं मिल रही और छोटे माल में भी आपको देखने को नहीं मिल रही। लहसुन में अब बाजार गिरने की संभावना बहुत ही कम लग रही है। अभी निकट भविष्य में या इस माह के अंत में हम आपको लहसुन में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यह जो तेज़ी है वो लहसुन के अच्छे माल में देखने को मिल रही, नॉर्मल माल में इतनी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपके पास हल्का माल है तो आप उसे बेच सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपके पास टॉप क्वालिटी या कई अच्छी क्वालिटी का लहसुन है तो आप उससे रोक सकते हैं। और अब इस महीने के अंत या अगस्त महीने की शुरुआत में तेज़ी आएगी, आप इस माल को निकाल सकते हो। तो दोस्तों यह थी हमारी लहसुन पर आने वाली समय की तेज़ी मंडी रिपोर्ट। अगर आपको पसंद आई हो तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों को भी लाभ पहुँचाए ताकि वह अच्छा दाम मिलने पर अच्छे माल बेचकर मुनाफा ले सके। आप इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करके किसान भाइयों की मदद कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो मिस ना हो तो मेक शेयर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो बगल में घंटी के निशान को भी दबा दीजिए। दोस्तों अगर आपको हमारे सर्विस और ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप में आपको देश तमाम बड़ी बड़ी मंडियों के ताज़ा भाव आपके मोबाइल पर हम उपलब्ध कराएंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बने घंटे के निशान को जरूर दबाएँ ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको किसी दूसरे मंडी के भाव चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, पूरी कोशिश करूंगा कि आप उस मंडी के भाव पहुंचाने की। अब मुझे इजाज़त दो मिलने अगले वीडियो में जिससे सभी जिंसों के भाव मैं आपके लिए लेकर आऊं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार किसान भाइयों।